हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको इंटरेस्ट बनाना है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेस्ट में लेना है, लाइक सारी चीज अगर बात करें इसी वीडियो में। सो गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अशोक लेलैंड एलटीडी कंपनी की बात की जाए, स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें, स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आया है। और स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक अगर आप यहाँ पे क्लोजिंग देखे, लास्ट हमारा अगर वेडनेसडे का क्लोजिंग यहाँ पे देखे तो क्लोजिंग कितने पे हुआ है, 169.50 पे क्लोजिंग। और स्टॉक की बात है, स्टॉक जो लगभग कितना 172.45 तक इसका हाई गया था। स्टॉक के मंडल की बात की जाए, स्टॉक क्या 0.59% यहाँ पे डाउन था वेडनेसडे के दिन, पॉइंट वाइज तो वह 1 रुपए यहाँ पे क्या डाउन था। स्टॉक की मोमेंटम की बात किया, लगातार क्या है मंडे से लेके लाइक हमारा लास्ट फ्राइडे से पकड़े, स्टॉक लगातार क्या है नीचे साइड ही जा रहा है। जो यहाँ पे जिसने भी ऑप्शंस में शॉर्ट सेलिंग किया रहेगा, इंट्राडे में जिसने शॉर्ट सेलिंग किया रहेगा, डेफिनेटली उसको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखिए सेलिंग का काफी अच्छा पोजिशन है क्या हमको देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात करें, स्टॉक में काफी अच्छा हमको मोमेंटम को देखने को मिल सकता है। अगर आप देखिए यहाँ पे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी फॉर्म हो रहा है, अगर आप इस जगह से देखें तो। अगर यहाँ पे लो पकड़े हम कौन से डे का लो पकड़े, 7 जुलाई का, हाई पकड़े अगर यहाँ पे लगभग 16 अगस्त का, तो यहाँ पे हमारा फिबोना का रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है जो कि हमारा मेन गोल्डन जोन था 0.68% का। तो यहाँ पे कई चांसेस देखे, स्टॉक जब भी लाइक सपोर्ट देखे यहाँ से क्या एक सपोर्ट लेता ही है, लास्ट टाइम भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था। सो पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे क्या थर्सडे के दिन अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है सो अपसेट जा सकता है। तो यहाँ पे अगर अपसाइड जाता है देन आप इसमें कॉल एंड इंट्राडे में अगर आपको बाइंग करना रहेगा, इक्विटी में बाइंग करना रहेगा, देन आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। कहाँ पे 172 के आसपास आप यहाँ पे बाइंग एंट्री कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टारगेट आपको रखना है इक्विटी वालों के लिए प्लस इंट्राडे वालों के लिए, एंड जो ऑप्शन में ट्रेड करेंगे इनके लिए सेम यहाँ पे क्या है एंट्री लेवल रहेगा, एंड सेम टारगेट रहेंगे 177 का। सपोर्ट आपको लेके चलना है कितने का, 167 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना है। 167 का सपोर्ट अगर थर्सडे के दिन तोड़ता है तो स्टॉक के लगभग यहाँ पे 160 या फिर 164 तक इसके आने के चांस हैं। तो ध्यान में रखिए आपको एंट्री करनी अशोक लेलैंड में थर्सडे के दिन। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों ही आपको लेवल्स बता दिए, बाकी ऑप्शन का आपको तो पता है कि इसका लॉट साइज कितना है, लॉट साइज इसका 5,000 का इसका लॉट साइज है। तो ध्यान में रख के आप ऑप्शन में ट्रेड कीजिएगा, बाकी इक्विटी वालों को यही बोलूंगी थोड़ा बहुत लाइक रिकवरी होने दीजिए, रिकवरी जैसे होता है देन आप 172 के आसपास आप इसमें एंट्री कीजिएगा। तो आई थिंक सबको जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।